नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया, बोले बघेल गांधी परिवार के एटीएम। इसरो का आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा, 16 दिन चक्कर लगाएगा। जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा सोनिया को राहुल, लालू को तेजस्वी, ममता को भतीजे और अखिलेश को डिंपल की चिंता। सरकारी स्कूल में छुट्टी कटौती पर नीतीश ने कहा अच्छा काम हो रहा है, पूछा कहां है विवाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। इंडिगो की दुबई कोलकाता फ्लाइट के वॉशरूम में धूम्रपान करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राजस्थान में महिला की निर्वस्त्र परेड पर मांगी रिपोर्ट। राजस्थान में ईडी IAS दलालों के सिंडिकेट को भेदा, मंत्री नेताओं की अभी नहीं मिली कोई चाबी। जयपुर में परिचित ने किया विवाहित से रेप, पति से मिलने के बहाने आया घर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा महिला को नग्न घुमाने के आरोपियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा। अजमेर में स्मार्ट सिटी ACEO सुशील कुमार ने बर्बाद किए 64 करोड़ रुपए, नियमों में सस्पेंड करने का प्रावधान। पवन कल्याण के जन्मदिन पर एक्शन से भरपूर OG का टीजर जारी। खुशी का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, पहला दिन 52 करोड़। फिर पोस्टपोन हुई सालार, अब जनवरी 2024 में होगी प्रदर्शित। भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया, फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड में नीरज चोपड़ा के लिए तैयारी शिविर को मंजूरी दी। चिली में ट्रेन मिनी बस की टक्कर में 6 की मौत। चीन के दक्षिण तट से टकराया तूफान साओला, 9 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।